कोविड-19 की दूसरी लहर ने लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है। दुख और तकलीफों के ऐसे नज़ारे देखने को मिले कि आँखों के आंसू भी सूख गए। अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी लाइनें, कब्रस्तान और शमशान में मरने वालों की जगह भी नसीब नहीं हो रही थी। नदियों के तट के किनारे हजारों लाशें दफनाकर उन पर भगवा चादरें डालकर लोग अपने प्रियजनों को अंतिम संस्कार कर रहे थे, तो न जाने कितनी लाशें नदियों में बहा दी गईं। और दिल दहला देने वाले ऐसे नज़ारे भी देखने को मिले जिसमें लाशों को कुत्ते और दूसरे जानवर नोचते हुए दिखाई पड़े। मरने वाले ये लोग किसी के पिता थे तो किसी की माता थी, किसी की भाई थे तो किसी की बहन थी, लेकिन ज़िंदगी भर जिन्हें पूछते रहे, मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हो सका। जिस समय ये सब कुछ हो रहा था, उस समय किसी भी दल का कोई नेता लोगों के अंतिम संस्कार में सहायता करने या उनके दिलों पर मरहम रखते हुए दिखाई नहीं पड़ा। ऐसे नज़ारे देखे ज़्यादा दिन नहीं हुए और अभी उन दृश्यों से दिलों पर लगे घाव अभी भरे भी नहीं कि एक नेताजी के वायरल होते हुए वीडियो ने झंझोड़ कर रख दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया है। गौर से देखिए इस वीडियो को और सोचिए कि हम कहाँ हैं और हमारे समाज में इंसान की क्या कीमत रह गई है। इस वीडियो में महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को देखा जा सकता है, जो सम्मान से अपने कुत्ते का अंतिम संस्कार कर रहे हैं और भावभीनी श्रद्धांजलि देकर उनके प्रति अपने सम्मान को जता रहे हैं। निश्चित ही उनका ये कदम सराहनीय होता, काश वे बीते दिन हजारों लावारिस लाशों में से कुछ के अंतिम संस्कार के लिए आगे आए होते और इसी सम्मान के साथ बेगुना मनुष्यों का भी अंतिम संस्कार कराया होता, जो अस्पतालों में बेड ना मिलने या फिर ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनी जानें गंवा बैठे और कोरोना संक्रमित होने की वजह से उन्हें ढंग से अंतिम संस्कार भी नहीं मिल सका और ना ही मरने के बाद सम्मान नसीब हुआ। रामपुर से फहद खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।